Actually, I was also playing बॉक्सिंग विद माई प्रिपरेशन ओनली. तो उस टाइम पे मैं सुबह बॉक्सिंग करने आता था. एक्चुअली आई लिव इन उज्जैन, और वहाँ से 40 to 45 किलोमीटर्स दूर बाइक से मैं रोज़ सुबह बॉक्सिंग करने क्लब जाता था. और ठंड के दिनों में इट वॉज़ सो चिलिंग दैट ठंड के दिनों में मुझे इतनी ठंड लगती थी कि मैं बीच में बाइक रोक के, बाइक के साइलेंसर पे हाथ रख के हाथ सेकता था. तो फिर वो मैं बाइक बॉक्सिंग भी करता था साथ में. और फिर बॉक्सिंग में भी मैंने स्टेट लेवल में मेडल जीता, जोनल लेवल में मेडल जीता. उसके बाद मैंने प्रो बॉक्सिंग भी खेली. क्या बात। तो वो सब चीज़ें भी इसके साथ में मैंने परस्यू करी. लाइक सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं 6 AM आई यूज़ टू गो टू देवास, एंड फ्रॉम देयर आई कम बैक एट 10, देन एट 12 आई गो टू लाइब्रेरी, फ्रॉम देयर आई कम टू 6, देन एट 7 आई गो टू जिम, देन आई कम देयर फ्रॉम 8, एंड फ्रॉम 9 to 11 रिविजन. लाइक ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू मैनेज. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमोमाइल टीवी टॉपर्स एंड इनिशिएटिव अन अकेडमी। मेरा नाम है अक्षय। वी आर सीन कि टॉपर्स दो कैटेगरी के होते हैं, एक जो सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जानते हैं एंड बचपन से ही उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, उनको सारे सब्जेक्ट्स आसानी से समझ में आती है एंड उनकी बस यही कॉन्सेंट्रेशन होती है कि उनकी स्ट्रैटेजी अच्छे से हो। पर दूसरे कैटेगरी के टॉपर्स होते हैं जिन्होंने बचपन से ही इतनी मेहनत करनी होती है उनको कि हर सब्जेक्ट को उनको अच्छे से पढ़ना होता है और उनकी स्ट्रैटेजी भी उनको अच्छे से बनानी होती है। ये टॉपर्स इतनी मेहनत करते हैं, साथ ही साथ उनके इतने सारे दूसरे जो काम होते हैं उनके साथ भी उनको लेकर चलते हैं कि ताकि उनकी कंप्लीट तैयारी हो। आज हम ऐसे टॉपर से मिलने वाले हैं जिन्होंने SBI PO 2019 में AIR 8 हासिल किया था, जिन्होंने कड़ी मेहनत से SBI PO एंड बाकी के बैंक एग्जाम क्लियर किए थे। लेट्स ऑल मीट प्रभाव सिंह बाचंड। Hi Prabhav. Hi. So how does it feel to crack such a difficult exam? It feels really proud. I'm really proud that I made it this far. I never thought that ki main kabhi itna I'll amount so much. But in the end you get what you get. You get what you deserve actually. That's great. Congratulations for your success. And मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कितने बैंक एग्जाम लिखे थे एंड कौन से लिखे थे एंड किस ईयर में लिखा था आपने? I started preparing from 2017 और I almost from 2017 to 2018-19 almost every exam I have given of bank or IBPS. I have given IBPS PO, SBI PO, RBI assistant. RBI assistant was my first exam in which I have cleared prelims. अच्छा हाँ. एंड आफ्टर दैट आई गॉट एंड देन आई आई गिवन 2018 SBI clerk. Which was my second prelims which I cleared, and in that exam I just got 1.8 marks were less, यानी मैं बस 1.8 marks से रह गया था final selection से. अच्छा हाँ. तो उसके बाद से फिर मुझे यानी मैंने बहुत सारे उस साल मैंने 2018 में लगभग almost बहुत सारे prelims लगभग सारे clear करे. उसके बाद मैंने फिर IBPS PO का clear करा prelims, और NABARD development assistant का करा, और ESIC SSO का prelims clear करा, और उसमें से फिर IBPS PO में मैंने मेंस भी क्लियर करा और इंटरव्यू भी दिया. और ESIC SSO में मेरा मेंस में सेक्शनल कट ऑफ रुक गया था GA का. ओके बाकी सब मेरे क्लियर हो गए थे और कट ऑफ से मेरे ऑलमोस्ट 15 to 20 नंबर ऊपर थे, बट आई जस्ट नॉट गॉट इन टू दैट सेक्शनल मार्क्स. ओके तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि आपकी जो बैकग्राउंड एजुकेशन बैकग्राउंड, इफ यू कैन से इट टू एस्पिरेंट्स, दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर देम. I was a very average person. I was not much, you know, very talented as many people say that ki bahut acche shuru se padhne mein hai, like they were excelled in 10th 12th graduation and then giving competitive exams. Mera bahut normal tha yani 10th 12th ka percentage. Okay aur uske baad I graduated इन बी कॉम ऑनर्स. अच्छा एंड लगभग यानी 60 के आसपास ही था 12th. इवन इन 12th आई वॉज नॉट इवन 60%. आई गॉट 60% इन 12th. ओके हाँ. बट आफ्टर ग्रेजुएटिंग ऑलमोस्ट फॉर 1 year वॉज लाइक डायरेक्शन लेस, यू नो आई डोंट हैव दैट कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं.
फ्रॉम देन फ्रॉम 2017 आई स्टार्टेड दैट कि अब प्रिपरेशन करना है और अब मुझे इसी फील्ड में और यही जॉब चाहिए और आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस ओनली. तो आपने 2017 से एग्जामिनेशन देना शुरू किया था एंड आपके पास उन्होंने वाइड एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ गिविंग द एग्जामिनेशन एंड आई एम श्योर कि आपको एग्जामिनेशन की पल्स भी अच्छे से पता होगा. तो हम पूरी डिस्कशन करते हैं एग्जाम के बारे में एंड आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कोचिंग से किया था या फिर आपने खुद प्रिपरेशन की थी. आई डिड इट सेल्फ. मैंने कोई कोचिंग वगैरह कहीं भी ज्वाइन नहीं करी थी. ओके. मैंने खुद से ही प्रिपरेशन करी. ओके. एंड ऐसे कोई घर पे थे जिन्होंने आपको मतलब मेंटर किया था, गाइड किया था फॉर द एग्जामिनेशन? नहीं, एज सच नहीं. यानी एक्चुअली माई सिस्टर इज ऑल्सो PO. अच्छा. सो शी वॉज काइंड ऑफ लाइक टेलिंग द पाथ दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस पाथ. But she didn't tell that from where you will go get there. यानी कैसे जाओगे, क्या करोगे, कैसे चलना है, वो नहीं. बस पता था कि दीदी ने एग्जाम दी है, उन्होंने क्लियर करी है, तो अपने को भी एग्जाम देना है, अपन भी कर सकते हैं. अच्छा. अगर आप अपना 100% देंगे तो. सो बस वही. तो आपको गोल पता था, आपका आपको रास्ता पता था, पर आपके रास्ते में कैसे जाना है वो आपको पता नहीं था. हाँ, वो तो पता नहीं था. ठीक है. तो पहले ये स्टार्ट करते हैं कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से की एंड आपके सोर्सेज क्या क्या थे एंड आपने पढ़ाई कैसे स्टार्ट की थी एंड आपने ये भी कहा कि आप स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थे, तो मतलब आपको बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी होंगी वाइल आप प्रिपरेशन पे कर रहे थे, राइट? तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने क्वांट की प्रिपरेशन कैसे की एंड सबको वो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, तो आपने क्वांट को कैसे हासिल किया अच्छे से? क्वांट के लिए एक्चुअली जो मेरा मेन फोकस रहता था वो डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन पे रहता था. उसके लिए जो जो टॉपिक्स थे जैसे कि एवरेज और परसेंटेज वगैरह, वो मैंने काफ़ी अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे और उसके बाद मैंने उसके हाई लेवल यानी धीरे धीरे हाई लेवल क्वेश्चंस और उसके ऊपर यानी पूरा फोकस ये रहता था कि उसमें मुझे 100% यानी जितना मैं जैसे ही क्वांट खोलता था सबसे पहले मैं उसे करके साइड में रख देता था. अच्छा. उसके बाद फिर मुझे जो भी दूसरे क्वेश्चंस लगते थे जो इजी हैं, डिफिकल्ट है, फिर मैं उन्हें सॉल्व करता था. यानी डेटा एनालिसिस पे मेरा फुल 100% फोकस रहता था. ओके. एंड व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, मतलब जो क्वांट के ही जो दूसरे टॉपिक्स है उसमें आप अच्छे थे या फिर यू वांटेड कंप्लीटली ऑन डेटा एनालिसिस? उनमें यानी मैं एवरेज था. And I was not exceptional, but I was average. कि हाँ, अगर एक लेवल नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है तो मैं उन्हें अटेम्प्ट कर लूँगा. बट ऐसा नहीं, सच नहीं था कि मैं 35 ही कर दूंगा पूरे प्रीलिम्स में. आई वॉज लाइक कि मुझे अपनी पता था कि मैं इसमें कितने क्वेश्चन तक बना सकता हूँ. आई वॉज नॉट लाइक कि मुझे आ रहे हैं तो मैं करे ही जा रहा हूँ. यानी वही बात थी कि मैं कौन क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है, वो मुझे पता था कि आपको किन क्वेश्चंस को छोड़ना है. तो वो क्वेश्चंस मेरे कम्प्लीटली उन्हें मैं छूता भी नहीं था. जो मुझे जैसे डेटा एनालिसिस है, फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर सीरीज है, अप्रोक्सीमेशन है, वो मेरा सीक्वेंस बना रहता था कि सबसे पहले DI करेंगे, फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेशन करेंगे, फिर उसके बाद अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे और उसके बाद नंबर सीरीज करेंगे, इस टाइप से. अच्छा. फिर मेरा सीक्वेंस वाइज में उसको सॉल्व करता था. ओके. सपोज अगर मैंने एग्जामिनेशन दिया एंड मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे टफ सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऐसे में कर सकता हूँ कि मैं एक सेक्शन अच्छे से अटेंड कर दूँ और बाकी को मैं छोड़ दूँ तो चलेगा अटेम्प्ट्स पे? नहीं, आप यानी कम्प्लीटली आप छोड़ नहीं सकते. आप उसको एवरेज रखो, आपको उसमें एवरेज रहना है. आपको बस उसमें जस्ट लाइक यू टू गेट द कट ऑफ नंबर. अच्छा. पासिंग मार्क्स, यू नो. आप उसको कम्प्लीटली छोड़िए मत, उसका भी नॉलेज रखिए कि आप एक एवरेज लेवल के यानी कि easy to moderate जो questions है, easy to moderate questions को आप कर लें. आप high level के या फिर बहुत ज़्यादा exceptionally good करने के नहीं, आप कितने भी ज़्यादा cut off से कितने भी ऊपर लाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको cut off निकालना है. सही बात. तो वो उस चीज़ पे आप यानी मेन फोकस करिए कि आपको उसमें cut off निकालना है. और फिर एक सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रांग है, you have to know about your strength. जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको स्ट्रेंथ को काफ़ी अच्छा है ना, वो स्ट्रेंथ है, सो इट मस्ट बी स्ट्रेंथ फॉर अ रीज़न कि आपको उसके अंदर बेस्ट टू बेस्ट यानी आपको 100% जितना आपसे हो सके करना है. ओके. आपका स्ट्रेंथ डेटा एनालिसिस पहले से ही था या फिर आपको अच्छा लगता था इसलिए आपने उसे अच्छे से प्रिपेयर किया? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे दूसरे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे लाइक मैथ्स में जो दूसरे टॉपिक्स थे वो मुझे इतने अच्छे से आते नहीं थे. और एवरेज और प्रॉफिट, एवरेज और परसेंटेज जो है वो हमें यानी कॉमर्स में आपको लगभग सब दूर लगता है ना, बैलेंस शीट वगैरह इन सब चीज़ों में वो सारे टॉपिक्स आते रहते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से मुझे आते थे, ईजी. अच्छा. भी थे. तो उन्हीं चीज़ों को मैंने अपनी देखा कि मेरी स्ट्रेंथ मैथ्स में क्या है, मुझे क्या चीज़ आती है, मैं कैलकुलेशन किस चीज़ में कर सकता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स किस में क्लियर है, तो मैंने वो देखा
और खैर आप इसे किस्मत बोल लीजिए या जो भी है, कि मेंस में IBPS PO और SBI PO दोनों में कि डेटा एनालिसिस ही है केवल, यानी आप क्वांट देखेंगे अगर मेंस में तो वो सिर्फ डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन ही है, तो वो चीज़ मुझे वहाँ पर काफ़ी काम दे गई। अच्छा, तो बेसिकली आपको अपने स्ट्रेंथ पे खेलना है। हाँ। चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हाँ। आपको अपने स्ट्रेंथ पे ही खेलना है। आपको अपने आप को पहले जानना है, आपको पहले खुद को जानना है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, फिर आपको देखना है कि जो जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ वो चीज़ मुझे कहाँ काम देगी, और बाकी मैं किस चीज़ में वीक हूँ तो उसमें मैं एक एवरेज लेवल अटेन कर लूँ। ऐसा नहीं कि वीकनेस को बिल्कुल छोड़ देना है, उसमें मुझे एक एवरेज लेवल मेंटेन करना है। उसमें आपको ये नहीं कि आपको बिल्कुल आपकी वीकनेस है तो आप उस पर लग के बिल्कुल आपको उसमें मैवरिक एकदम मास्टर बनना है, आपको उसमें एवरेज रहना है और बाकी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें आपको मास्टर खेलना है। ओके, तो ये तो मैंने सोच लीजिए कि मैंने अपना स्ट्रेंथ जान लिया कि मेरा स्ट्रेंथ है एवरेज इन परसेंटेज। अब ये भी लेवल होता है ना कि आपकी जो लेवल है वो दूसरों से कम भी हो सकती है एंड दूसरों की लेवल आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हाउ डू आई इम्प्रूव माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी भी साथ में कैसे लेके चलूँ? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एनालिसिस। आपको रोज़ एनालिसिस करना है, वन स्टेप एट अ टाइम। आज आप एक टॉपिक एक टाइप का क्वेश्चन करिए, उस टॉपिक को पूरा ख़त्म करिए, फिर आप नेक्स्ट पे जाइए। ओके, उस यानी एक एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है, जैसे कि है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के आप सब तरह के क्वेश्चंस, जितने तरह के सिंगल्स आते हैं उसमें, वो सब तरह के सिंगल्स आपको आ जाने चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आप दूसरे पे चाहिए, फिर उसके बाद आप दूसरे तरह के टॉपिक पे चाहिए, तो वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस भी देगी और उसके बाद नॉलेज भी देगी कि इस टॉपिक पे आप, जैसे मोस्टली क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चंस उठाते हैं और वो टाइमिंग की दिक्कत आती है कि वो आधा करके छोड़ देते हैं, तो वो टाइम जो वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट नहीं होने देता है कि आपने अगर उठाया है तो आपने कर ही दिया है। आपको वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और आप उसी चीज़ को अपना टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं बजाय कि वेस्ट करने के, जो टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, मतलब पहले अटेम्प्ट में अगर वो 10 मिनट भी ले तो चलेगा, बाद में प्रैक्टिस के साथ वो आप उसको जब तक करिए जब तक आप उसको सही नहीं कर लेते। ओके, सो दिस इज फॉर क्वांट। तो क्वांट का तो अच्छे से आपने स्ट्रेटेजी बता दिया। नाउ कमिंग टू रीजनिंग, रीजनिंग आपकी कितनी अच्छी थी बिफोर द प्रिपरेशन? रीजनिंग, आई डोंट नो रीजनिंग व्हाट रीजनिंग वाज। ओके, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था रीजनिंग क्या होता है। तो आपने कैसे जाना रीजनिंग को इतनी अच्छे से? रीजनिंग एक्चुअली क्या है कि नाम से ही समझ में आता है, रीजनिंग समझ, आप कितनी जल्दी उस चीज को समझ जाते हैं। तो बजाय कि किसी चीज को रटने के आप उसको समझने की कोशिश करिए, उस चीज को आप कैसे, वो आपसे चाहता क्या है, वो किस तरह से आपको उलझाना चाहता है। आपको क्वेश्चन का प्रकार समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है वो क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड करता है कि हम इस चीज को कैसे बनाएं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का, तो वो क्या चाहता है कि आप किस तरह से उसे देखें, कौन सी लाइन पे आप फोकस करें, कौन सा वर्ड है जो वो आपको चाहते हैं कि नहीं पढ़े, वो चीज आपको देखने की, ये वर्ड छुपा हुआ है, तो उस चीज को समझने की कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो आपका क्या कहना है कि रीजनिंग में समझ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ट्रिप्स एंड ट्रिक्स? जो यूजुअली टिप्स एंड ट्रिक्स का भी अपना स्थान है, पर समझ सबसे इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आपने कहा कि आपने डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था, आपने उसके अपनी स्ट्रेंथ बना ली थी, वैसे आपने रीजनिंग में कौन से टॉपिक को अपने अपना स्ट्रेंथ बना लिया था? रीजनिंग में मैंने लगभग सारे टॉपिक कर लिए थे। अच्छा, रीजनिंग आई कवर्ड, यानी फुल्ली कवर कर लिया था रीजनिंग में, ऐसे मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं था। और रीजनिंग में मैंने फिर उसके बाद जो मेंस में इन्फ्रेंस और स्टेटमेंट वाले, जिसमें कि हमको इन्फ्रेंस देना रहता है, वो क्वेश्चंस पे मैंने ज़्यादा फोकस करा था मेंस के लिए स्पेशली, कि इन क्वेश्चंस पे मैं ज़्यादा जल्दी और एक्यूरेसी के साथ में मार्क्स ले सकता हूँ, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी लॉजिकली नहीं करना, आपको बस आपकी समझ के हिसाब से, आपके एथिक्स और अपनी समझ के हिसाब से आपको स्टेटमेंट देना है कि क्या स्टेटमेंट फॉलो होगा। ओके, अच्छा क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपको फॉलो करना है। ओके, तो वो चीज़ के लिए तो ये तो आपको अच्छे से आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। यस, प्रैक्टिस, ठीक है। एंड सब यही कहते हैं कि पजल प्रिपरेशन, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, तो आपने पजल्स एंड प्रिपरेशन एंड ऐसे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे अच्छे से समझ लिया? वेराइटी, आप जितनी तरह की पजल्स सॉल्व करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आपको एक्सपोजर मिलेगा कि किस किस तरह की,
आप अपने आप को इतना एक्सपोज कर दीजिए अलग अलग तरह के पजल से कि जब आप वहाँ जाए तो आपको पजल नहीं लगनी नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, आप जितनी ज़्यादा तरीके, अगर आज मैं 50 या 30 या 100 पजल्स बना रहा हूँ तो मुझे 100 टाइप्स की पजल मिलनी चाहिए। मैं एक टाइप की 100 बार बनाऊंगा उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा, मैं एक टाइप की 10 बार बनाऊंगा और 10 बनाऊंगा तो मुझे उससे फायदा मिलेगा। पर ऐसा भी हो सकता ना कि इतने सारे टाइप आप पजल सॉल्व करेंगे, कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि कौन सा पजल कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड उसकी मेथड क्या है। उसी लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप उसको प्रैक्टिस करिए। आपने अलग अलग तरह की करना है पर एक पजल आपने करिए तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, उसको कम्प्लीटली सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप दूसरी पे जाइए, जैसा मैंने आपको मैथ्स में बताया था। सही बात, सही बात। तो ये भी हो गई रीजनिंग के बाद, एंड ऐसा कोई मोमेंट था कि आपको क्वांट एंड रीजनिंग में ऐसा कोई सब्जेक्ट था जो आप करना ही नहीं चाहते थे कभी? यस, मैथ्स में टाइम एंड वर्क। ओके, आई वाज जस्ट कम्प्लीटली। ठीक है, एंड रीजनिंग में? रीजनिंग में तो मैंने बताया सब कुछ कवर कर लिया था। ओके, तो अगर ऐसा कोई टॉपिक हमने छोड़ भी जाए तो चलेगा या फिर उसे करना ही पड़ेगा? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, वही हाँ। वाली बात है स्ट्रेंथ और वीकनेस वाली कि हाँ। मेरी जो वीकनेस है उसमें मुझे सिर्फ एवरेज होना है, मुझे सिर्फ 50% तक आना है, जो मेरी स्ट्रेंथ है उसमें तो मुझे 100% रहना ही है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो कॉन्टेंटिंग, अब इंग्लिश की बात करते हैं। आपकी इंग्लिश पहले से अच्छी थी? हाँ, ऑलमोस्ट अच्छी थी। एंड जो बच्चे इंग्लिश अच्छे से कर नहीं पाते हैं वो इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? रीडिंग जितनी ज़्यादा हो सके ना, रीडिंग करिए। अच्छा, रीडिंग इज मस्ट। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए इन्फ्रेंसेस मिलेंगे, नए नए फ्रेजेस मिलेंगे। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो इट्स लाइक कि आप जितनी देर पानी में रहोगे उतनी देर तैरोगे, तो वैसी ही बात है। सही बात। तो अपने रीडिंग के लिए आपने क्या कहता एग्जैक्टली, लाइक न्यूज़पेपर पढ़ना हो या फिर मैगजीन पढ़ना हो या फिर नॉवेल्स हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो आपने रीजनिंग के लिए क्या पढ़ी थी एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा होता है इंग्लिश के लिए? मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर रीडिंग और उसमें भी पर्टिकुलरली एडिटोरियल्स। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा नहीं कि आपको फ़ायदा करेंगे, क्योंकि जितने भी आजकल जो अनसीन पैसेजेस वगैरह हैं अगर आप देखेंगे तो वो आप एडिट, आप एक अच्छा न्यूज़पेपर सुनिए और उसके एडिटोरियल्स आप पूरे पढ़िए इन वन ब्रेथ, और फिर आप उसको समझने की कोशिश करिए कि मैं इसमें से क्या निकाल सकता हूँ, क्या नहीं निकाल सकता, मुझे क्या समझ में आया, और उसमें जो वर्ड समझ में नहीं आया आप उन्हें मार्क्स करिए। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको इंग्लिश को समझ सोचने आपके इंग्लिश को समझने में आने की हेल्प करेगी, बजाय कि आप कोई ग्रामर रूल्स पढ़ने के या फिर दूसरी चीज़ों को करने के, आप उसको समझने की कोशिश करिए। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, वो कोई लॉजिकल मैथ्स या रीजनिंग नहीं है कि आप उसमें लॉजिक या फॉर्मूला लगा दोगे, आपको समझना है उसको, यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, शब्द का मतलब क्या है, उनके जो रूल्स है उसे फॉलो करना है। हाँ, वही चीज। बैंक एग्जाम्स का सीजन आ चुका है और हम सबको पता है कि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होने वाला है, तो अगर आप भी अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस पर मेरे कोर्सेज फॉलो करते हुए आप सीख सकते हैं बेसिक टू एडवांस एंड न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। मैं हूं अंकुश लांबा, मैं अनअकैडमी प्लस पे बैंक एग्जाम्स के लिए लाइव पढ़ाता हूं। तो ये तो इंग्लिश की प्रिपरेशन हो गई, तो इंग्लिश में एक तो कि रीडिंग आपकी अच्छी से होनी चाहिए, आपको ग्रामर के सारे रूल्स पता होना चाहिए, बट ये भी होता है कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या फिर क्रैक करने के लिए हमें अच्छे से चीज़ों को समझना चाहिए, जैसे स्पेलिंग की हो गई या फिर रीडिंग कॉम्प्रेशन की हो गई, वर्ड का मतलब क्या है, yes. वो कहना क्या चाह रहा है, हाँ. फ्रेज। तो ये आपने कैसे पढ़ाई की थी, इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे की थी आपने? इंग्लिश ऐसे मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरू से अच्छी ही थी, तो मुझे इतना कोई ज़्यादा ना कि कुछ स्पेशल अटेंशन देना नहीं पड़ा। अच्छा, हाँ, मैंने बस उसकी प्रैक्टिस करता गया और वो चीज़ होती गई। अच्छा, ठीक है। अभी आती है जीए एंड बैंकिंग अवेयरनेस, एंड आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी जीए एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए? जीए के लिए एक्चुअली मेरी 5-point स्ट्रेटेजी थी। अच्छा, यानी कि जीए मेरा 5 जगह से कवर होता था, जैसे यानी मैं अलग अलग जगह से पढ़ता था पर वो सब में ना रिविजन हो जाता था। जीए में स्पेशली रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो सबसे पहले तो जो मैं डेली के काम करता था वो मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे पहले डेली मैं रोज नेट से एक जर्नल मेंटेन करता था, उसमें मैं डेट वाइज करंट अफेयर्स लिखता था, उसमें बायफर्केट करके डिफेंस न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, उसमें अलग अलग बायफर्केट करके मैं सब चीज़ें अलग अलग उसमें जर्नल मेंटेन करता था। उसके बाद फिर मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता था, उससे मेरा वही चीज़ वापस से रिवाइज हो जाती थी। उसके बाद जो मंथली मैगजीन्स रहती थी वो मैं एक 1 week के अंदर यानी सब पढ़ के
कवर कर लेता था। उसके बाद जब एग्ज़ाम टाइम पे, एग्ज़ाम से पहले मैं कैप्सूल्स जो जीए कैप्सूल्स रहते हैं वो उनसे मैं पढ़ाई करता था, और इसके बाद जो मॉक्स रहते हैं, मॉक्स और जो दूसरे वीडियोस वगैरह ऑनलाइन रहते हैं उनसे मैं देख के जीए, तो ये 5 पॉइंट्स से मेरा जीए कवर होता था। अच्छा, तो आपके पास अच्छे खासे नोट्स भी होंगे जब आपको रिविजन भी करना है, राइट? हाँ, नोट्स यानी डेट वाइज पूरे मेंटेन हो जाते थे वो। अच्छा, तो आप जब नोट बनाते थे आप क्या क्या नोट करते थे उसमें, लाइक बैंकिंग के लिए जीए या फिर बीए के लिए? हाँ, जैसे जब मैंने आपको बताया कि जर्नल मेंटेन करता था मैं, डेली जो नेट से लिखता था उसके अंदर जैसे मैंने आज डेट डाली तो उसमें फिर हर तरह का अलग अलग बायफर्केट करता था न्यूज वाइज, कि इंटरनेशनली जो न्यूज है, जो इंटरनेशनल न्यूज है वो सारी न्यूज एक साथ, फिर उसके बाद जो नेशनल न्यूज है, फिर जो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है, फिर जो फाइनेंशियल और बैंकिंग के रिलेटेड न्यूज है, और फिर जो दूसरी अदर न्यूज है, स्टेट वाइज न्यूज है, वो सब मैं ऐसे अलग अलग मेंटेन करता था। ओके, ठीक, उस जर्नल में। सही बात। सो इससे आपकी मतलब जीए एंड बीए की अच्छे से प्रिपरेशन हो गई। हाँ, वो ने पूरा रिवीजन हो गया। आपने बीए के मतलब बैंकिंग अवेयरनेस आपने कहाँ से पढ़ी थी, लाइक व्हाट आर द सोर्सेस? बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने 2-3 सोर्सेस से करा था। एक तो बुक्स थी, कुछ बुक्स से पढ़ा था, उसके अलावा फिर जो कैप्सूल्स वगैरह रहते थे उसमें ही थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह का बेसिक रहता था, उसके अलावा फिर जो वीडियोस वगैरह रहते थे और न्यूज़पेपर उसमें से भी मैं बैंकिंग अवेयरनेस का करता था। ओके, ओके। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी पॉइंट होता है कि करंट अफेयर्स जो टॉपिक है इट्स वेरी वास्ट। अब यूपीएससी के लिए अगर मैं करंट अफेयर्स बोलूँ तो सारे टॉपिक आ जाते हैं उसके अंदर, बट बैंकिंग के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे पढ़ने पड़ते हैं। तो ऐसे कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको मतलब अच्छे से पढ़ने चाहिए, या फिर एग्जांपल शुड वी गो फॉर एनी इश्यूज और शुड वी गो फॉर एनी न्यू इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट और एनी न्यू इनिशिएटिव बाय द बैंक और एनी अदर इंस्टीट्यूट्स? बैंकिंग के लिए आपको है ना वन वर्ड आई मीन टॉपिक स्पेसिफिक करना है, जैसे कि फाइनेंशियल रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो सब उसमें जो जो डेट यानी फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स टाइप यानी कि अगर जैसे किसी बैंक के चेयरमैन ने किसी ब्रांच का अगर वो उद्घाटन करा है तो वो कहाँ पर करा है, वो किस बैंक का चेयरमैन है, वो कौन सी ब्रांच है और वो कौन सी स्कीम है, बस ये 2-3 चीज़ें आपको उसमें से निकालनी है, और डेट। अच्छा। कि किस डेट पर करा है इस टाइप से, तो आपको उसमें से फैक्ट्स निकालने, यानी आपको उसको यानी डिस्क्रिप्टिव में नहीं बनाना है, आपको उसमें से जो फैक्ट्स हैं लाइक किस प्लेस पे, किस बैंक के और कौन सी स्कीम के लिए, उसकी टैगलाइन क्या है, उस हिसाब से आपको उसमें से फैक्ट्स निकालने हैं। आप किसी भी न्यूज़ को पढ़ो उसमें से आपको फैक्ट्स याद रहने चाहिए, जैसे कि अगर किसी ने नया मोटो दिया है तो स्कीम का मोटो जैसे विजन 2020 है तो विजन 2020 इस टाइप से उसके मोटोज और फैक्ट्स जो हैं, किसने दिया है तो एपीजे अब्दुल कलाम या जो भी है मिसलेनियस। ओके, वो आपको इन फैक्ट्स याद रहने चाहिए बजाय कि आपको डिस्क्रिप्टिव कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, उसकी डिटेल्स को आप उतना ध्यान नहीं भी देंगे चलेगा, पर जो मेन फैक्ट्स है वो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, दिस इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि उनकी अपनी स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर्स वो बना सकते हैं। अभी एक पॉइंट है कि 4 तो सेक्शन हो गए, अभी SBI PO एग्जामिनेशन में देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ कि मतलब क्वांट के लिए इतना आपको लेना चाहिए एंड रीजनिंग के लिए इतना लेना है, तो इट्स ओवरऑल मार्क्स, तो शुड आई गो फॉर कंप्लीट कि मतलब एक साथ में सब अच्छा करूं, या फिर एक सेक्शन अच्छा नहीं किया तो मैं दूसरे में अच्छा कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं मैं? आप इट्स कम्प्लीटली ऑन यू, यानी कि अगर दूसरे जैसे मैंने बताया कि अगर आपका जो स्ट्रेंथ है उसको आप अच्छा करिए, और वीकनेस में आपको बस एवरेज रहना है, यानी आप दूसरे सेक्शंस में बस पासिंग या कट ऑफ नंबर भी लाएंगे तो इट्स ओके। ओके, तो ये आप जो पूरी प्रिपरेशन हम कर रहे थे, तो आप मतलब साथ में साथ जॉब भी कर रहे थे एंड यू ऑल्सो हैड सम हॉबीज एज वेल, राइट? यस। तो कैन यू लेट आवर स्टूडेंट्स नो कि आपकी क्या हॉबी थी एंड हाउ डिड यू परस्यू इट एंड कितना बड़ा आपने अचीव किया था? एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो प्लेइंग बॉक्सिंग विद माई प्रिपरेशन ओनली, तो उस टाइम पे मैं सुबह बॉक्सिंग करने आता था, एक्चुअली आई लिव इन उज्जैन और वहाँ से 40-45 किलोमीटर्स दूर बाइक से मैं रोज़ सुबह बॉक्सिंग करने क्लब जाता था, और ठंड के दिनों में इट वाज सो चिलिंग दैट ठंड के दिनों में मुझे इतनी ठंड लगती थी कि मैं बीच में बाइक रोक के बाइक के साइलेंसर पे हाथ रख के हाथ सेकता था तो फिर वो मैं बाइक बॉक्सिंग भी करता था साथ में, और फिर बॉक्सिंग में मैंने स्टेट लेवल में मेडल जीता, जोनल लेवल में मेडल जीता, उसके बाद मैंने प्रो बॉक्सिंग भी खेली। क्या बात। तो वो सब चीज़ें भी इसके साथ में मैंने परस्यू करी, लाइक सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं 6 AM आई यूज टू गो टू देवास एंड फ्रॉम देयर आई कम बैक एट 10, देन एट 12 आई गो टू लाइब्रेरी, फ्रॉम देयर आई कम टू 6,
then at 7 I go to gym, then I come there from 8, and from 9 to 11 revision, like all these things you have to manage, work life balance, जो आपको job में करना है वही चीज़ आप अगर पहले से ही अपनी life में कर लेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 2017 से ये सब साथ में कर रहे थे एंड आपकी हॉबी भी साथ साथ चल रही थी। मैंने बॉक्सिंग तो 18 से चालू करी थी। अच्छा, एंड आप एक साल में नेशनल लेवल तक पहुंच गए। यस, ओके, ऑल थैंक्स टू माय कोच रवि गिरजापुरकर। दैट्स वंडरफुल, आप उनको कुछ थैंक्स बोलना चाहेंगे? यस, स्पेशल थैंक्स टू रवि गिरजापुरकर, उन्होंने ही टॉट मी लाइक दैट आई कुड गो देयर। अच्छा, तो ऐसा भी फेज आया होगा कि आपके घर वाले या फिर आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ऐसा आपको बोले होंगे कि आप अभी आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ ही साथ आप बॉक्सिंग क्यों खेलना चाहते हो, आपके मतलब टाइम वहाँ पर स्पेंड हो जाएगी या फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ दैट स्पेंड मोर टाइम ऑन एग्जाम प्रिपरेशन, तो ऐसा किसी ने कहा था? ऑब्वियसली, यानी कि अगर कोई भी है जो जॉब, यानी कि आप अनएम्प्लॉयड हो और आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके साथ आप एक नई चीज़, नई हॉबी पा रहे हो जिसके लिए आप कम से कम 2 to 4 hours यू आर डिवोटिंग इन डेट, सो लाइक हर कोई पूछता था कि ये दो चीज़ कैसे चल रही है, इट डजेंट मैच, सो बोलते थे, पर आई वॉज फर्म ऑन माई डिसीजन और दोनों चीज़ें मैं करता था। आई वॉज गिविंग माई 100% ऑन। हाउ मच डज इट हेल्प टू हैव अ हॉबी लाइक दिस एंड डू अ प्रिपरेशन एज वेल? इट हेल्प्स अ लॉट, like whenever you go for that hobby you just completely आप बिल्कुल भूल जाते हो कि आपकी कोई एग्जाम है, कुछ गोल है, आप बस कम्प्लीटली उस चीज़ में डिवोट हो जाते हो और वही चीज़, वही सेम एटीट्यूड फिर जब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में भी फिर वही सेम एटीट्यूड आ जाता है कि आप कुछ भी नहीं है बाकी वर्ल्ड, मेरे लिए सिर्फ मेरा गोल है, तो वो एक गोल के लिए जाना, एक डायरेक्शन होना लाइफ में वो बहुत ज़रूरी है, तो वो एक जो डायरेक्शन देना है ना वो स्पोर्ट्स से सीखा है कि आपको फुल्ली डिवोट होके सब कुछ भूल के यू हैव टू गिव योर 100% अटेंशन ऑन दैट वन गोल, दैट वन पंच और दैट वन पंच, सो दैट थिंग आई लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स। अच्छा, एंड इट हेल्प मी अ लॉट इन प्रिपरेशन। अच्छा, तो पंच ही आप बात कर रहे थे तो अभी इंटरव्यू की बात भी अभी बाकी है, तो ऐसा कभी हुआ कि आपको अच्छे से पंच मिला हो आंखों पे या फिर मुंह पे एंड आप इंटरव्यू के लिए भी साथ में जा रहे थे? यस, एक्चुअली दैट हैपन्ड, दैट फ्रॉम माय इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू से तकरीबन 20 दिन पहले मैं एक स्टेट टूर्नामेंट खेलने गया था, वहाँ पर फाइनल में मेरी लेफ्ट आई में इंजरी हो गई थी और जिसके कारण मैं काफ़ी टेंस हो गया था, आई गॉट अ ब्लैक आई और आई वॉज लाइक कि अब मैं इंटरव्यू में कैसे जाऊँगा ब्लैक आई लेके, बट इट वेंट गुड, यानी वो सही हो गई थी, उससे पहले इंजरी ठीक हो गई थी। ओके, ऑल थैंक्स टू गॉड। ओके, सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ एसबीआई पीओ, आपने ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप एक्सरसाइज कैसे की थी साथ में? ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज में क्या था कि फुल पूरी तरीके से जो वहाँ का ऑरा था वो बहुत सपोर्टिव था और जितने भी जो कलीग्स थे सब लोग ने यानी कि अपने अपने पॉइंट्स दिए, उसके लिए मैं सबको मैंने यही कहना चाहूँगा कि किसी भी टॉपिक पे आपको एक थिंकिंग प्रोसेस बनानी रहती है कि आपको कोई भी टॉपिक दिया है तो आप उसमें कितनी जल्दी पॉजिटिव, नेगेटिव और कंक्लूजन, ये तीन चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, यानी ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस में, यानी पॉजिटिव नेगेटिव तो हर कोई बताता है पर कंक्लूजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप फ्यूचर में एक ऑफिसर बनने वाले हो और एक ऑफिसर को डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के लिए वो कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास हर चीज़ पे कंक्लूजन होना चाहिए, यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक बायस यानी अनबायस्ड पर्सपेक्टिव तो हर कोई दे सकता है पर करना क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन वो बहुत ज़रूरी है कि आपको अब करना क्या, यू टू सिलेक्ट वन थिंग, सो विच इज़ द बेस्ट थिंग टू चूज फ्रॉम ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी। हाँ, तो वो स्ट्रेटजी में हर चीज़ मैंने GD और GE दोनों में मैंने फॉलो करी। ओके, तो आपको GD में कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? GD वाज ऑन दैट हाउ टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम स्कूल। अच्छा, एक्चुअली ग्रुप एक्सरसाइज वाज दैट कि हाउ टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम स्कूल एंड GD वाज ऑन इज इंडिया रेडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, तो सपोज ऐसा होगा कि मुझे कुछ पॉइंट्स पता ही नहीं है एंड उस टाइम पे मुझे ये टॉपिक मिल गया। हाँ। अब मुझे बात करना भी है उसके ऊपर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि वो जो सबसे पहले तो डर आ जाती है कि मतलब स्ट्रेस आ जाता है कि मुझे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, तो मैं कैसे इसे पढूं या फिर कैसे इसके बारे में बताऊं, ये तो डिसीजन है, ये अगर चला गया तो सब कुछ चला गया, तो ये फियर को कैसे मिटाएं? हाउ टू हैंडल दैट पैनिक, उस टाइम पे आप सबसे पहले सुनिए,
कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या उस पर पॉइंट्स रख रहे हैं, उन्हें एनालाइज करिए और फिर उस पर अपना कंक्लूजन दीजिए। कि जैसे कि अगर दो लोगों ने कहा है, कोई कह रहा है कि ये चीज़ गलत है, कोई कह रहा है ये सही है, तो दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे, उन पॉइंट्स को सुनो, उन पर अपना पर्सपेक्टिव बनाओ और फिर कंक्लूजन दो, तो आप सुनिए उन्हें। तो ये तो हो गया जीडी के ऊपर, एंड ग्रुप एक्सरसाइज आपका कैसा रहा? ग्रुप एक्सरसाइज वॉज गुड, आई मीन हम लोगों के ग्रुप ने 16 मिनट में कंक्लूड कर दिया था। ओके, एंड ग्रुप एक्सरसाइज में यूजुअली हाउ शुड द कंडक्ट बी ऑफ अ पर्सन? Should you lead it or should you be submissive? क्यों आपको सुनना है और आपको पॉइंट्स देने हैं? How did you conduct yourself? I think you should be moderate. Moderate रहना चाहिए। आप अपने पॉइंट्स बताइए। ऐसा नहीं कि आप अपने पॉइंट्स छोड़ दीजिए। अगर आपने कोई चीज़ पहले नंबर पे रखी है तो आप उसे बकायदा बोलिए कि हाँ पहले नंबर पे। पर अगर ग्रुप मेजोरिटी वाइज कह रहा है और अगर वो अपनी आप उनके पॉइंट्स को सुनिए कि अगर वो उस चीज़ सही लग रही है, अच्छा, तो आप उस चीज़ को भी नंबर वन पे दे सकते हैं आप लोग। ओके, हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको वन, आपने उस चीज को वन दिया है तो सब लोग भी वन ही देंगे। ओके, यानी ग्रुप को कंक्लूजन पे लाना अपना मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, रेदर देन अपनी जो आपने प्रायोरिटी बनाई है उसको बताना। ओके, तो ये तो हो गया टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना एंड उसके ऊपर मतलब एक कंसेंसस पे लाने के लिए, बट ऑन द अदर साइड ये भी होता है कि आपको सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पे देख आपको बैठ के देख रहे हैं, तो व्हाट डू दे चूज आउट ऑफ यू? मतलब आप अब में ऐसे क्या दिखना चाहिए कि वो आपको सेलेक्ट करते हैं? पहली चीज़ तो ये कि लीडिंग दे नीड अ लीडर, तो आपको आपकी बात सही तरीके से रखनी आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये दे नीड अ पर्सन हु इज वेरी फेथफुल टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको जो ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि फॉर द ग्रेटर गुड जिसे बोलते हैं, फॉर द ग्रेटर गुड अगर आपको कुछ चीज़ अपनी पर्सनल सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है तो वो चीज़ भी आप में होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें वो लोग देखते हैं। अच्छा, तो ये दोनों चीज़ों को आपको परफेक्टली बैलेंस करके फिर आपको उसमें अपना ओपिनियन देना है। ठीक है, तो इसी मुद्दे पे ऐसे हमारे इंडिया में तो बहुत सारे लीडर्स हैं, हर गली में एक एक लीडर निकलते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूं, सबको चुप कराऊं, या फिर सिर्फ मेरी बात और मेरी पॉइंट को आगे रखूं, तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये सही पॉइंट है या फिर शुड आई इम्प्रूव माई सेल्फ? नहीं, ये पॉइंट सही नहीं है, यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। जैसा मैंने कहा कि आपको सुनना आना चाहिए, आप जब तक दूसरों की बात सुनोगे नहीं तो आप उनको कुछ भी बोल लो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाओगे, टीम एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाएगी। टीम वर्क इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दिस मैटर, कि टीम को कंक्लूड होना चाहिए। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चाह रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं जानती कि आप कितने बड़े आप लेजेंड हो, वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड होगी तो आप सक्सीड होगे। सो यू हैव टू पुट फॉरवर्ड ऑर्गेनाइजेशन बिफोर योर सेल्फ, but the same time you have to give your enormous amount whatever the amount of yani aap apna jitna bhi yogdan de sakte ho wo aapko dena hai usme। sahi baat, to abhi aate hain interview ke upar, and aapka interview hua kaise, and ipps ka interview bhi aapne attend kiya tha and sbi bhi aapne attend kiya tha, to dono ka difference kaisa raha and dono ki similarity bhi kya thi वैसे? सिमिलरिटी तो एज सच कुछ ज़्यादा नहीं थी, पर मेजर डिफरेंस ये था कि जो मेरा एस बी आई पी ओ का इंटरव्यू था उसमें और इसमें मेरी जो मेंटेलिटी का डिफरेंस आ गया था। जैसे आई बी पी एस पी ओ के इंटरव्यू में क्या हुआ था कि आई गॉट नर्वस एंड आई ऑल्सो गेव माई ओपिनियन एंड माई थाट्स ऑन थिंग्स विच आई डोंट नो मच अबाउट। अच्छा, सो दे गॉट देट पिक दैट थिंग, यानी उन्होंने वो चीज़ पकड़ ली जो मुझे नहीं भी आती थी और मैंने उस पर भी कुछ चीज़ बोल दी थी। अच्छा, तो वो चीज़ मुझे लगा कि मैंने गलत कर दी। और फिर जब मैं एस बी आई पी ओ के इंटरव्यू के लिए गया था तब मैंने यानी फर्म मेंटेलिटी बनाई ली थी कि मुझे जो चीज़ नहीं आती है मुझे वो चीज़ नहीं आती है, मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलूँगा, भले वो मुझे 7 क्वेश्चंस पूछें और 7 मुझे नहीं आते हैं तो मैं 7 में मना करूँगा, मैं किसी में भी तुक्का नहीं मारूँगा, मैं डायरेक्टली बोल दूँगा नहीं आता मतलब नहीं आता। सो दैट वॉज द मेजर डिफरेंस इन माई मेंटेलिटी यानी मेरी तरफ से। उसके अलावा वहाँ पे फिर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, जैसे आई बी पी एस पी ओ में मेरे बैकग्राउंड यानी जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह था उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे, और एस बी आई पी ओ में करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और जो को करिकुलर्स थी मेरी उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे। ओके, तो वैसे इंटरव्यू में ना बोलना इज फाइन राइट? या इट्स कम्प्लीटली फाइन, एंड हाफ नॉलेज इज डिस्ट्रक्टिव, इट्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो आपने ऐसा कोई मोमेंट था कि आपको ना बोलना पड़ा, आपने कैसे उसे ना बोला? लाइक अगर मैं आपसे कुछ पूछूं अभी एंड आपको उसके बारे में पता नहीं तो आप कैसे उसे टैकल करेंगे? जस्ट प्लेन से सॉरी सर बट आई डोंट नो अबाउट इट,
Okay. And they are completely fine with it. They are completely fine. Okay. तो ऐसे बहुत सारे लोगों को डर होता भी है कि मतलब यार आप उन्हें आप बिल्कुल पोलाइटली आप बोलिए सॉरी सर बट आई डोंट नो मच या सॉरी आई कांट रिकॉल इट राइट नाउ जैसे कि आपको कुछ चीज़ पता भी है सो डोंट ट्राई वेरी हार्ड दैट यू आर लाइक दिस बट जस्ट से सॉरी सर आई कांट रिकॉल इट राइट नाउ सो दे विल बी वो आपको जानना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ पे पकड़ है और फिर उस चीज़ पे वो देखना चाहते हैं कि आप उसको कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाते हो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन कि आपको जितना आता है आपको उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज द प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस तो वो चीज़ वो देखना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाते हो अच्छा तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आती है GTN इंटरव्यू पे कि आपने एग्जामिनेशन तो क्लियर कर लिया कि पहले के जितने भी प्री एंड मेंस होते हैं आपने क्लियर कर लिया अभी आपको जानते हो कि आपकी सिलेक्शन होने के लिए आप बस थोड़े ही दूर हो बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब आपको बुलाया जाता है GTN इंटरव्यू के लिए यूजुअली टेक्स टाइम आपका जब नंबर जब तक आएगा आपका टाइम लग ही रहेगा तो आप उस मोमेंट कहीं बाहर जा भी नहीं सकते फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते मच एंड ऐसे टेंशन में भी यहाँ पे घूम नहीं सकते तो हाउ डू यू हैंडल योर सेल्फ एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उस टाइम पे तो स्ट्रेस लाइक पीक लेवल पे होता है कि मैं क्या बोलूँगा कैसे बोलूँगा मैं बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा ये लास्ट चांस है मेरा तो हाउ डू यू हैंडल योर सेल्फ एक्चुअली दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी मेरे साथ यही हुआ था कि जो IBPS PO का मेरा इंटरव्यू था उसमें मैं सुबह 8:30 रिपोर्टिंग थी और मेरा इंटरव्यू हुआ था 2:30 पे सो इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई वॉज वेरी एंग्शियस फॉर दैट लॉन्ग टाइम और जो मेरा मैंने फिर वही चीज़ मैंने उससे सीखा अपने एक्सपीरियंस से कि जस्ट बी रिलैक्स वही चीज़ कि अगर मैंने प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा जैसे ज़्यादा मुझे नहीं आएगा मैं मना कर दूंगा आई विल नॉट सम यानी मैं उस पर तुक्के नहीं मारूंगा मुझे नहीं आता है तो मैं मना कर दूंगा बस तो वही चीज़ आपको फर्म रहना है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा जैसे ज़्यादा कि मुझे नहीं आता है ना बस कुछ तो आता है मैं वो बताऊंगा जो मुझे आता है मैं वो बताऊंगा इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फिडेंस पर ऐसे बहुत सारे मूवमेंट भी होते हैं कि मतलब बच्चे बोलते भी हैं कि ये कहने के लिए बहुत आसान है करना बड़ा मुश्किल है तो आपने बिफोर एग्जाम आपने ऐसे योगा मेडिटेशन ऐसे कुछ किया था आपने और स्पोर्ट्स भी खेलते तो आप मतलब दिस थिंग्स माइट हैव हेल्प्ड यू एज वेल जस्ट एक आपका है ना जो एक रूटीन रहता है ना वो आप उस रूटीन को आप फॉलो करिए वो रूटीन आपको कॉन्फिडेंस देता है जैसे कि अगर किसी के लिए रोज़ वो आप चीज़ करते हैं ना तो वो उतना आप उसको है ना आपके लिए वो हाइपर नहीं होगी आप यू वॉन्ट गेट पैनिक इन टू दैट सो जस्ट फॉलो योर रूटीन एंड गेट यूज टू दैट टाइमिंग स्पेशली अबाउट दैट मैं मॉक्स के लिए भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब आप मॉक्स लगाते हैं ना तो मॉक्स भी आप डे टाइम में लगाइए यानी मॉर्निंग में और आफ्टरनून में ज़्यादा बहुत सारे लोग नाइट में लगाते हैं बिकॉज आपकी बॉडी क्लॉक जो होती है वो भी उसके हिसाब से अडेप्ट होती है तो वो चीज़ आपकी उसी टाइम रूटीन में रहती है ना तो आपको एकदम अनईजी फील नहीं होता है आप जैसे कि अगर कोई रात में मॉक लगाता है और दिन में एग्जाम देने चले जाएगा तो उसको नींद आएगी ऑब्वियसली बात है पर अगर वो सुबह उठ के उसी टाइम पे रोज मॉक्स दे रहा है तो उसके लिए वो नई चीज़ नहीं होगी इट वुड बी जस्ट लाइक डेली रूटीन टू हिम तो वही चीज़ इसके लिए भी कहना चाहूँगा कि आप उस रूटीन में आइए उस चीज़ को रूटीन में करिए तो वो चीज़ आप बिल्कुल उस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली काम रहेंगे ओके एंड मॉक की आपने बात की थी तो आपने पहले कहा था कि आपकी प्रिपरेशन जो 2017-18 में चल रही थी आपने इसे ऑनलाइन दिया था या फिर ऑफलाइन किया था 2018 तक एक्चुअली मैंने 2018 IBPS PO 2018 से पहले मैंने कभी भी ऑनलाइन मॉक्स नहीं लगाए थे मैं ऑफलाइन OMR शीट्स पे मॉक्स लगाता था उसके बाद मैंने फिर मॉक्स लगाने चालू करे ऑनलाइन अच्छा इससे कितना आपका फर्क हुआ आपके प्रिपरेशन में स्पीड एंड एक्यूरेसी में इट वाज लाइक यानी जमीन आसमान का अंतर आ गया था यानी ऑनलाइन मॉक्स लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी यानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पड़ गया था अच्छा हाँ क्योंकि उससे पहले मैं लगा रहा था तो मुझे खुद उसमें एनालिसिस करना पड़ता था क्वेश्चंस भी नए नए आते थे और फिर एग्ज़ाम कंप्यूटर इंटरफेस पे होती थी तो वहाँ पे मैं अलग टाइम लगता था पर जब जैसे ही मैं इस इंटरफेस पे आया विद इन वन ईयर मेरे 2-3 सिलेक्शंस हो गए दैट्स ग्रेट तो अभी लेट्स गेट ऑन टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो क्वेश्चन की बात करते हैं ना टोटल 155 क्वेश्चंस में लोग ये कहते हैं कि एटलीस्ट 80 तो आपको देना ही पड़ेगा मतलब 70% आपको देना ही पड़ेगा तो आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रन किए थे IBPS PO और SBI PO दोनों में इन IBPS PO I have done 84 something attempted and in SBI PO I have attempted 93 okay तो 93 is a good number to get selection
यस इट्स अ गुड नंबर बट डोंट गेट ऑन द नंबर्स, यानी आप नंबर पे मत जाइए, एक्यूरेसी पे चाहिए। बहुत सारे लोग 80-81 करके भी ज़्यादा नंबर लाते हैं। अच्छा, वो एक्यूरेसी पे रहता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं तो आपके अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते, फिर आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ओके, तो इट्स एक्चुअली एटलीस्ट नेसेसरी कि आप 70 से ऊपर तो कर ही दो। हाँ, ऑलमोस्ट 60% तक होना ही चाहिए, 60-70%। ओके, एंड इसके लिए आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी भी अच्छे से करने पड़ेगा। हाँ, एक्यूरेसी एंड स्पीड इज द मस्ट। एक्यूरेसी इज अ मस्ट। एक्यूरेसी में आपको सेक्रीफाइस करना ही नहीं है। आप स्पीड में फिर भी कर सकते हैं पर एक्यूरेसी में नहीं, क्योंकि आप अगर एक्यूरेसी में करेंगे तो आप फिर 100 क्वेश्चंस भी कर लीजिए, आपको नंबर नहीं आ पाएंगे। पर अगर आप एक्यूरेसी अगर सही रख रहे हैं तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ओके, तो ऐसे और क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो SBI एस्पिरेंट को या फिर बैंक एस्पिरेंट को करना ही चाहिए, जैसे स्पीड एंड एक्यूरेसी हो गया, एंड आपको मॉक अटेम्प्ट्स देने ही पड़ेंगे आपको, मतलब जानने के लिए कि एग्जाम कैसे होता है एंड एग्जाम के दम आप कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे और कौन से टिप्स होंगे जो उनको करना ही चाहिए, उनको मस्ट है? मॉक्स आर मस्ट। उसके अलावा रीडिंग हैबिट, रीडिंग आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपको वो फ़ायदा देगी। और इस इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको आपका गोल पता होना चाहिए कि मेरी टारगेट एग्ज़ाम क्या है। ओके, जैसे कि हर साल का मैं टारगेट बनाता हूँ, जैसे 2018 में मेरा टारगेट था IBPS PO, तो मुझे ये करना ही है। बाकी एग्ज़ाम्स भी हैं मैं दे रहा हूँ, पर ये मेरा प्राइम है और इसके लिए अभी मैं इसके पैटर्न पे, इसके प्रीवियस क्वेश्चंस पे, इस पे यानी मैं अपना पूरा फुल फोकस है। बाकी भी बैंक एग्ज़ाम्स में दे रहा हूँ पर मेरा मेन फोकस जो मुझे जाना है वो मुझे फाइनल सिलेक्शन इसमें चाहिए इस साल में। वैसे मेरा 2019 का SBI PO था, सो आई वाज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन दैट। सो आपका मेन गोल आपको पता होना चाहिए और ये आपको हर साल अपना मेन गोल बनाना चाहिए कि यार मेरा इस साल का मुझे कि ये करना है। ओके, तो अभी एक ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन काइंड ऑफ बोल सकते हैं, सब लोग तो एग्ज़ाम देते हैं एंड सबकी यही ख्वाहिश होती है कि पहले अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, पर ऐसे बहुत लोगों के सपने टूट जाते हैं। आई एम श्योर आपने भी जब पहले एग्ज़ाम दिया था आपको भी लगा होगा कि यार मेरा एग्जामिनेशन सेलेक्ट हो नहीं पाया, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे अगली बार के लिए जाना है या फिर अभी मैं जॉब ढूंढूँ, तो ये जो फेज़ है आप उसने आपको अपने आप को कैसे संभाला एंड वॉट शुड वन डू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? एक फेज़ आएगा जब आप एग्ज़ाम्स के बिल्कुल करीब जाकर रुक जाएंगे, सिलेक्शन से बस कुछ पॉइंट्स दूर होंगे, वो फेज़ बहुत क्रिटिकल फेज़ रहता है। उस टाइम पे आपको लगता है कि यार मैं तो पास आके भी रुक रहा हूँ, शायद मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ। उस टाइम पे आपका सपोर्ट सिस्टम काम करता है, लाइक मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, वो लोगों का काफ़ी योगदान रहा इसमें। और उस टाइम पे आपको जो भी आपकी मोटिवेशन है, जिनसे भी आपको मोटिवेशन मिलती है, आप उन्हें देखिए और आप यानी टेक्निकलिटीज़ पे मत जाइए, आप मोटिवेशन आप बस करिए, जैसे कहते हैं ना कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो उस टाइम पे आप बस करते जाओ, भले आपको रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ कुछ ना कुछ काम करते हैं हम लोग, पर हमें उसमें हम उस चीज़ को रिजल्ट ओरिएंटेशन से नहीं देखते, हम बस कर देते हैं बहुत सारी चीज़। लाइक आप रोड पर जाते हो, आप किसी को पैसे दे देते हो, कोई आप बेगर वगैरह को, तो आप उसका रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं देते हो कि मुझे इस पर रिटर्न आएगा या नहीं, यू जस्ट डू इट। तो उसी तरह से आप उस कर्म पे ध्यान दीजिए, उसके फल पे ध्यान मत दीजिए। तो जिस दिन आप वो कर्म ओरिएंटेटेड हो जाओगे उस दिन आपको ऑटोमेटिकली फल मिल जाएगा। सही बात, एंड दैट वाज रियली वेरी इंस्पायरिंग। एंड और एक स्पेशल मेंशन है माय अंकल, माय रियल अंकल। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन उनसे मिलती है। ही इज डेफ एंड डब, यानी वो बोल और सुन नहीं सकते, एंड ही इज अ बिट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। बट जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, एंड आई वाज लाइक जब उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया, इतने नए से होके वो अपनी लाइफ में जी रहे हैं रोज नॉर्मली, तो व्हाई नॉट मी? दैट्स ग्रेट, आई एम श्योर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट अ गुड मैसेज फ्रॉम दिस। तो जब आपकी सिलेक्शन हुई, IBPS में भी आपकी सिलेक्शन हुई थी एंड आपने कहा कि क्लर्क में भी आपका सिलेक्शन हो गया था। SBI क्लर्क वेट लिस्ट, आई गॉट इन वेट लिस्ट 2018। अच्छा, एंड आपको PO में भी हो गया था? या, दिस ईयर SBI PO। हाउ वाज द मोमेंट जब आपने हासिल कर लिया कि PO इज डन? इट वाज वेरी जॉयफुल। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं। एट दैट मोमेंट आई डिडंट नो दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग और नॉट, बट आई वाज वेरी हैप्पी दैट माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, ऑल दोज हु बिलीव्ड इन मी, ऑल दोज हु सपोर्टेड मी
हैड दैट दे कैन से दैट दिस गाय हैज़ डन समथिंग, यानी वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कि बिना किसी रीज़न के कर रहे थे, वो रीज़न उस दिन प्रूव हो गया था कि यस वी कैन डू दैट, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी. दैट्स अ वंडरफुल मोमेंट. सो यू स्पीकिंग अबाउट द सपोर्ट सिस्टम, तो आई एम श्योर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने मतलब आपको मोटिवेट भी किया, आपके साथ रहे वो, एंड आपकी मतलब सपोर्ट सिस्टम बन के रहे. सो वुड यू लाइक टू थैंक देम एंड से योर देयर नेम? आई'd लाइक टू मेंशन सम नेम्स. माय फैमिली, मदर, फादर, माय सिस्टर एंड हर फैमिली, ऑफ कोर्स माय अंकल वाज ग्रेटेस्ट मोटिवेशन. बियॉन्ड दैट माय फ्रेंड्स शिखर शर्मा, दिव्यांशी, पूजा, ऋतिक जैन, लक्की, आई'd लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम, निहाल एंड तरंग ऑल्सो. That's great. I'm sure they'll be listening to the show right now and they'll be very happy to see you here as well. Thanks. So let's get on to a different section. हमने वैसे एग्जाम के बारे में बहुत बात कर ली, आपके बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, तो लेट्स गेट ऑन टू अ पर्सनल सेक्शन. मैं आपको थोड़ा सा रैपिड फायर में कुछ पूछूंगा, तो आप फट से आंसर देना उसके बारे में, एंड यू विल नॉट हैव मच ऑफ टाइम टू थिंक एज वेल. तो लेट्स बिगिन विद दैट. यस. तो सबसे पहला क्वेश्चन, If you want to go to any particular travel destination, कौन सा जगह रहेगा वो? Switzerland. Okay. And if you want to meet any sports person and sports idol, आप किसे मिलना चाहोगे? Mike Tyson. Okay. So, which is your favorite movie? Favorite movie is Shawshank Redemption. Okay. And if I give you any superpower right now, what would you like to take? To be invisible. Acha. And what would you do after being invisible? I'd just scare people. I'll go and scare people, you know. Acha. I'll better keep it with myself. So last question. If you were 13-year-old self, अभी आप अपने आप अपने 13-year-old self से मिलते, तो क्या advice देते हो उसको? कि लाइफ में जो भी चीज़ डिफ़िकल्ट दिखती है, जितनी लगता है कि दूर से देख के लगता है वो उतनी डिफ़िकल्ट होती नहीं है, उस चीज़ का एक टाइम, हर चीज़ की आपको एक प्राइस देना पड़ती है, वो प्राइस टाइम में होती है, आपको बस टाइम डिवोट करना है. सो दिस वुड बी माय मैसेज टू माय 13-year-old सेल्फ. ग्रेट. तो जस्ट वन थिंग, इफ यू हैड टू गिव एनी मैसेज टू द स्टूडेंट्स हू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम राइट अवे राइट नाउ, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? The only message that I want to give to the young aspirants or the new aspirants is you have to keep on it. यानी आप लगे रहो, करते रहो, आज नहीं तो कल आपको मिल ही जाएगी आपकी मंजिल. आप यानी डीमोटिवेट मत होइए. आज आपके 60 नंबर है तो कल वो 65 होंगे, एक दिन 95 भी होंगे. सो जस्ट लगे रहो, देते रहिए एग्जाम्स. That's a wonderful message. तो we have a ritual in our show that we usually tag the topper, usually tags one of the topper, जो वो मानता है कि उनकी भी स्टोरी अच्छी से हो, दे कैन ऑल्सो इंस्पायर, उनकी स्टोरी भी बहुत अच्छी से रही है, एंड सो हु वुड दैट बी, लाइक आप किसको टैग करना चाहेंगे वैसे? आई वुड लाइक टू टैग अभिनव जैन एंड देवांगना अर्जारिया, दे आर माई बैचमेट्स इन क्लेरिकल ऑल्सो, एंड दे हैव वी हैव क्लियर्ड इट विद साथ में क्लियर. सो अभिनव एंड देवांगना आचार्य, सो वी विल ऑल्सो कॉल यू एज सून एज पॉसिबल, एंड आपकी भी स्टोरी हमें आप शेयर करेंगे सबके साथ. सो कीप एक्सपेक्टिंग अवर कॉल फ्रॉम आवर कैमोल टीवी टॉपर्स टीम. तो आपको कैसा लगा है कि पूरे एक्सपीरियंस है कैमोल टीवी आने के लिए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस शेयरिंग योर स्टोरी? इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा लगा अपने बारे में बता के, एंड वेरी बिग थैंक्स टू अनअकैडमी फॉर गिविंग सच प्लेटफॉर्म टू शेयर माई स्टोरी एंड माई स्ट्रगल्स एंड माई अचीवमेंट्स. Thank you so much. We are very happy that you are here and you shared your story. It's very inspirational. I'm sure ki bahut sare aspirants aapki story ko sun ke unki apni khud ki story banaye. So we just have a small gift from Unacademy. Thanks. Great. So we wish you good luck for your future, and aap jo bhi kar rahe hain acche se karna, and do great for India. Thank you so much for coming here. Thank you.